साथियों, आज देश में लगभग 85% हमारे जो किसान है वो छोटे किसान है। 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, समय के साथ जब परिवार का विस्तार होता है, परिवार बढ़ता है, तो उतनी छोटे से टुकड़े के भी टुकड़े हो जाते हैं, जमीन और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन देखते हैं हम, दिवाली तो आ गई, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है, प्राकृतिक प्रकोप चलता रहता है। साथियों, उसी प्रकार से अगर मिट्टी खराब होगी, अगर हमारी धरती माता की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारी धरती माता ही बीमार रहेगी, तो हमारी मां, उसकी उपजाऊ क्षमता भी घटेगी, पानी की सेहत खराब होगी तो और समस्याएं होगी। ये सब कुछ किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए, हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, ज्यादा टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं, ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को मिले, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से जागृत प्रयास कर रहे हैं। बीते 7-8 साल में 1700 से अधिक वैरायटी के ऐसे बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो ये बदलती जलवायु परिस्थिति है उसमें भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अनुकूल रहते हैं। हमारे यहां जो पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स होते हैं, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब्स बनाए जा रहे हैं। भारत के मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाए, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष पूरी दुनिया में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है।